अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लें, देन फिर हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आएगा हमारे पास सेल। सेल ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स are made up of cells. On the number of cells, organisms can be divided into two sub types. First is unicellular, second is multicellular. First we discuss about यूनिसेलुलर क्या होता है ऑर्गेनिज्म। सॉरी, यूनि मीन वन या सिंगल, और सेलुलर मीन सेल। The definition of unicellular is that those organisms that are made up of only single cell are called unicellular organism. Unicellular cells perform all life function. For example, eat, reduce waste, movement. देखें, हमने इसमें पढ़ा those organisms that are made up of only single cell or called unicellular. इसका मतलब है वो organisms जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। परफॉर्म आर लाइफ फंक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक ही सेल पे सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक खाते भी हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वेस्ट भी करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है, एक ही सेल पे सब कुछ करेंगे। और एग्जाम्पल यूनिसेलुलर की, अमीबा, पैरामीशियम, एंड क्लेमिडोमोनास, ये सब एग्जांपल यूनिसेलुलर के हैं जो डिपेंड करते हैं एक ही सेल पर। Now we discuss about multi-organism. Multi mean many, yeah, more than वन मतलब बहुत ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल, मल्टीसेलुलर का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सेल। डेफिनेशन ऑफ मल्टीसेलुलर इज दोज ऑर्गेनिज्म डैट
मेड अप ऑफ मैनी या मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर आर स्पेसिफाइड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। दोज ऑर्गेनिज्म डेट मेड अप ऑफ मैनी सेल्स और कॉल्ड मल्टी सेलर। मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स आपस में जब मिलेंगे तो उसे हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। स्पेसिफाइड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मल्टी सेलर जो होते हैं वो स्पेसिफाइड सेल होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइक नर्व सेल्स। नर्व सेल्स होते हैं वो अलग फंक्शन करते हैं। मस्कुलर सेल्स अलग फंक्शन करते हैं। नर्व सेल्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं मैसेजेस को हमारे और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को। और मस्कुलर सेल मसल्स में होते हैं वो मसल्स का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज एस सेल फॉर्म टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन एंड मैनी ऑर्गन्स आर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मेड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है ये एक सेल है जो मेन या बुनियादी हमारा पार्ट है लाइफ का। देन ये जब आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं लाइक एक सेल है ये एक सेल है आपस में मिला टिश्यू बन गया। इस तरीके से जब टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे ऑर्गन बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स लाइक ब्रेन किडनी हार्ट ये जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्योंकि जब ऑर्गन होंगे तो सिस्टम होगा पूरा ऑर्गन्स का। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म बन जाए लाइक ह्यूमन बीइंग। एंड द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। बिकॉज इन सब में मल्टी सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं हम सब में। आज हम लोगों ने पढ़ा सेल की बेसिक डेफिनेशन। कितनी टाइप होती हैं सेल की? दो टाइप्स होती हैं। देन हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा और इनके एग्जांपल्स के बारे में।